Tell me what to do. Show me how to feel. Under your control, everything is real. So hit me. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, अभी हम लोग आ गए हैं अपनी फेवरेट प्लेस पे कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि आजकल मौसम बहुत अच्छा है और आज का मौसम तो बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये हमारी फेवरेट प्लेस है जहाँ पे हम अक्सर कॉफ़ी पीने आते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा रोम अराउंड करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, फिर वी विल गो एंड हैव कॉफ़ी। तो अभी हम देख सकते हैं कि शाम हो रही है, मगरिब का वक्त होने वाला है और बहुत खूबसूरत हवा चल रही थी। हवा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, किसी को महसूस करवा नहीं सकते थ्रू व्लॉग। तो आप मेरी से ही फील कर लें कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मौसम बहुत अच्छा है। और जब ओमान में मौसम अच्छा होता है तो ट्रस्ट मी गाइस, आपका दिल बहुत 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 खुश हो जाता है। आपका मूड कैसा भी हो, अगर मौसम अच्छा होगा तो आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस अभी हम थोड़ा सा रोम अराउंड करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ी सी मैं पिक्चर्स क्लिक करूँगी। और ये मैंने पिक्चर्स जो थी इंस्टाग्राम पे भी अपनी शेयर की थी, जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, मैं अपना यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मुझे ऐड कर सकते हैं। अभी स्क्रीन पर भी शेयर कर दूँगी, तो आप मेरे यूज़र नेम को इंस्टाग्राम पे सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको डेली जो भी मैं अपनी लाइफ में करती हूँ, जो भी मैं शेयर करती हूँ, आप वो इंस्टा स्टोरी से देख सकें। तो बस अभी हम थोड़ी देर रोम अराउंड करेंगे, थोड़े से पिक्चर्स क्लिक करूँगी मैं, तो फिर मैं जाऊँगी कॉफ़ी पीने के लिए। तो मैंने ले लीजिए है कॉफ़ी और अभी हम थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पर, चिटचाट करेंगे, थोड़ी सी चिटचाट मैं आपके साथ करूँगी और फिर थोड़ी सी कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर बैठ के पाँव को थोड़ा सा सुकून मिल जाए, क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग भाई वॉक कर रहे थे। तो अभी टाइम है कि मैं थोड़ी देर कॉफ़ी पीऊँ यहाँ पर बैठ के और साथ में अपने पाँव को थोड़ा सा रेस्ट दे दूँ, बिकॉज टुडे बिफोर आई वॉज वेयरिंग हील्स और जब मैंने पिक्चर्स वगैरह ले ली और उसके बाद फिर मैंने फ्लैट्स पहन ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है तो वो हील्स में नहीं हो सकती, और पिक्चर्स के लिए तो हील्स बेस्ट होती हैं जब आपने पिक्चर्स क्लिक करनी होती हैं। तो अभी मैं पी रही हूँ कॉफ़ी और मेरे हस्बैंड कॉफ़ी के ज़्यादा शौकीन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा शौक से नहीं पीते, बस मजबूरी में पी लेते हैं, इसलिए वो मेरे से थोड़ी सी टेस्ट कर रहे थे कि कैसी, और उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीती हूँ और उनको वो इतनी ख़ास नहीं लगी। तो अभी मैंने आप लोगों से एक बात करनी थी, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन होता है हर वीडियो में कि डाइट प्लान कब शेयर करूँगी, और मैंने आपसे बहुत क्लियरली मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी, जैसे मेरे 2 वीक्स पूरे हो जाएंगे, अब तो 2 दिन रह गए हैं 2 वीक्स पूरे होने में, तो मैं आपके साथ कम्प्लीट शेयर करूँगी कि मैंने कितना लूज़ किया, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए मैंने लास्ट व्लॉग में भी बोला था कि थोड़ा सा सब्र कर लें, फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आज के ब्लॉग में फिर से एक दफ़ा आपके साथ ये रिपीट कर रही हूँ कि थोड़ा सा सब्र और तो फिर मैं आपसे कर दूंगी शेयर। Thank you.
तो मुझे, मैं काफ़ी अर्से से अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि वेदर चेंज हो गया है, तो मुझे ट्रैवलिंग एक कप चाहिए जिसमें जब भी हम बाहर जाएँ तो हम कॉफ़ी चाय लेके जा सकें। अक्सर बीच पे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो वही देखने के लिए उठे कि चलो यहाँ से कोई अच्छा सा देखते हैं। तो अभी हम यही देख रहे थे, तो मैं भी साथ आ गई क्योंकि मुझे था कि ये ना वो जल्दी से जाके कुछ भी बिल करवा दें। और बहुत ही अजीब सी इलेक्शन थी, बहुत अजीब सी, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और प्राइसेस ऑलवेज वेरी 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 एक्सपेंसिव एंड वेरी हाई प्राइसेस। और जो ये ट्रैवलिंग मार्क्स थे दे वर स्टार्टिंग फ्रॉम 12 रियाज टू अप टू 20-22 विच वर वेरी हाई। इतने में आप एक या चार बहुत अच्छे ब्रांड के ट्रैवलिंग कॉफ़ी मग्स ले सकते हैं, कॉफ़ी कप्स ले सकते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि मैंने इनका पहले भी यूज़ किया हुआ, वो मेरे से मिसप्लेस हो गया था। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ से नहीं लेंगे, हम नॉर्मल स्टोर से लेंगे जहाँ से हम बाकी घर की चीज़ें लेते हैं। बना था फूल लेने का, लेकिन शॉप पे फूल वाला नहीं था, तो बस लिलीज़ को मैं देख के आ गई। लिलीज़ आर माई फेवरेट गाइस। अगर आप में से कभी भी किसी ने मुझे कुछ गिफ्ट करना हो तो प्लीज़ मुझे लिलीज़ भेज दीजिएगा, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो बस हम यहाँ से हम हो गए हैं फ्री और अब हम जाने लगे हैं बाहर को। और जैसे हम लोग बाहर आए तो बारिश शुरू हो गई, और मैंने आपको पहले बताया था कि आज मौसम बहुत अच्छा था। और जब हमने बारिश देखी तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए क्योंकि यहाँ पे जो बारिश होती है वो ये होती है कि एक दो बूंद हुई बारिश, उसके बाद मौसम बिल्कुल चेंज, एकदम से गर्मी, एकदम से सफोकेशन शुरू हो जाती है, ह्यूमिडिटी शुरू हो जाती है। तो लेकिन आज ये बारिश थी थोड़ी तेज़ वाली, तो हम लोगों ने इस बारिश को इनकैश करने की कोशिश की कि हम लोग इसको और ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इसलिए हम लोग चले गए एक थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पे। जहाँ पे मैं पहले थी वो एक अलग एरिया था, और उधर से हम लोग बहुत दूर दूसरे एरिया तक आए हम लोग ड्राइव करके, क्योंकि हमें बारिश इंजॉय करनी थी। और बारिश इंजॉय करते करते हमें लगी थोड़ी सी भूख क्योंकि मैंने कॉफ़ी पी हुई थी, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था, और मेरे हस्बैंड ने तो बिल्कुल कुछ नहीं खाया था, उन्होंने सिर्फ लंच किया हुआ था। तो यहाँ पे एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप है जो मैंने स्टार्टिंग अपने ब्लॉग्स में शेयर किया था, जहाँ का एक आलू का सैंडविच, फलाफल और इस तरह की छोटी छोटी आपको स्नैक्स की चीज़ें मिलती हैं जो कि बहुत मज़े की होती हैं। तो जी अभी हम आ गए हैं इस कॉफ़ी शॉप पे। आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी कॉफ़ी शॉप है। यहाँ पे
पाकिस्तान में तो हम बोलते हैं समोसे वाला, पकौड़े वाला, दही बड़े वाला, नहीं यहाँ पे कोई भी स्नैक्स बेचने वाला, कुछ भी छोटा बेचने वाला, उसको कॉफ़ी शॉप बोलते हैं। तो यहाँ पे आगे हैं जी ये फलाफल। हमने डिसाइड किया कि हम लोग सिर्फ फलाफल खाएंगे, साथ में इसकी होती है बहुत मज़े की हरी मिर्ची होती है जिनको उन्होंने फ्राई किया होता है, और ये फलाफल है, साथ में इसकी होती है कोकोनट सॉस जो कि बहुत 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 डिलीशियस होती है। और इस अंकल के पास खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और ये बहुत सस्ते और बहुत मज़े के यहाँ पे स्नैक्स मिलते हैं गाइस, इतने सस्ते कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आज ऐसा पहली बार हुआ है 2-3 सालों में कि हम लोग बारिश में कर रहे हैं अपना स्नैक इन्जॉय। यूजली बारिश होती थी, पता नहीं चलता था, या इतनी थोड़ी सी बारिश होती थी कि वो बड़ा नाम होती थी, उस बारिश का कोई नाम नहीं होता था। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, इस मौसम में अपने पार्टनर के साथ बाहर बारिश को एंजॉय करना और फिर साथ में बैठ के करते स्नैक खाने का अपना ही मज़ा है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको सारी ज़िंदगी याद रह जाती हैं, और मैं ऐसी छोटे छोटे मोमेंट्स, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत एंजॉय करती हूँ। मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ और एक ऐसी छोटी सी अन एक्सपेक्टेड जो मेरे लिए कोई चीज़ होती है, वो मेरे लिए ज़्यादा 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 मेमोरेबल हो जाती है, ज़्यादा प्यारी लगती है मुझे। तो इस हसीन मौसम को, जो कि आज काफ़ी सालों बाद पहली बार हुआ है, और गाड़ी में बैठ के अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना, इस बारिश को एंजॉय करना, साथ में ये मज़े के स्नैक्स एंजॉय करने का अपना ही मज़ा है। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ जो इसको रिप्लेस कर सके, नो। इस मौसम का, इस स्नैक का अपना मज़ा है। तो जी ऐसा बहुत सालों बाद पहली बार हुआ है आज। जी हम लोगों ने की बारिश, एंजॉय खाए फलाफल, और बहुत एंजॉय किया इस मौसम को। तो आप ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं, वो ज़्यादा प्यारे होते हैं, तो उसको ज़रूर एंजॉय किया करें बिना ये सोचे कि क्यों अभी बारिश ख़त्म हो जाएगी, ये होगा वो होगा। अगर मैं घर पे होती और मैंने अबाया ना पहना होता तो मैं ज़रूर बारिश में नहाती, क्योंकि बारिश काफ़ी अच्छी खासी हुई थी और इस बारिश में हम लोग नहा भी सकते थे, क्योंकि हम लोग बेचारे गरीब तरसे हमें बारिश के लिए। लेकिन ये सऊदीया, बहरीन, कतर, कुवैत में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो ओमान में ऐसी बारिश नहीं हुई, वहाँ पे नुकसान भी बहुत हुआ है, लेकिन यहाँ पे बस हल्की हल्की कभी हो रही है कभी नहीं हो रही। तो बस अभी आ गया चाय, और इस चाय को पीते पीते हम लोग चले हैं अपने घर को, क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा। और इसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की तमन्ना है कि अपना घर हो, थोड़ा सा रेस्ट करें। तो बस अभी हम जा रहे हैं घर को। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मैं कैसी लगती हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।